नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। हमेशा की तरह हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में 2020 में हुई इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जानकारियाँ आपके लिए हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपका स्कोरिंग कराने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में हुए SSC के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आप इनको कॉन्सेंट्रेटली अच्छे से रीड आउट करिएगा और वीडियो को देखते देखते ही आपको लास्ट तक क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ज़रूर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ कर याद कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन रावत। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। T20 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फियोना कोलम्बिंगर, जो कि जर्मनी से रिलेट करती हैं, 4000 किलोमीटर साइकिल रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं। महिलाओं और पुरुष क्रिकेट के T20 प्रारूप में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो एलिजा पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती हैं, सबसे पहली क्रिकेटर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा, जो कि भारत से खेलते हैं क्रिकेट में, एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला एम्पायर क्लेयर पोलोसॉक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती हैं, बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला ICC मैच रेफरी कौन बनी है? तो GS लक्ष्मी, जो कि भारत से हैं, पहली महिला ICC मैच रेफरी बनी हैं। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक SUV कार किसने लॉन्च की? तो कार की कंपनी है ह्युंडई, इसने सबसे पहली इलेक्ट्रिक SUV कार जो है लॉन्च की है। भारत के इतिहास में पहली सबसे युवा सांसद कौन बनी है? तो चंद्रानी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से सांसद हैं, सबसे युवा सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो आयरलैंड दुनिया का दूसरा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला बना है। पहला देश ब्रिटेन है जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में सबसे पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बनी है? तो गोपाल श्रेष्ठ। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नेपाल से हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही बने हैं। भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ऑपरेशनल फाइटर पायलट वायुसेना की पहली भावना कंठ बनी है, जो कि बिहार से हैं। किस देश ने विश्व का पहला बोलिंग विंग बजट पेश किया है? तो देश जो जिसने पहला बोलिंग बेली विंग बजट जो पेश किया है, न्यूजीलैंड ने पेश किया है वैली विंग बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवाकिया कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर लंदन, जो कि ब्रिटेन में है, बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया? तो विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया? तो ग्रीन कार लोन भारतीय स्टेट बैंक SBI ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्रीलंका द्वारा लॉन्च पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो श्रीलंका के द्वारा लॉन्च पहले उपग्रह का नाम रावण वन है। विश्व का पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बना है? तो विश्व का सबसे पहला सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? तो नॉर्वे देश के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्ज कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क किस राज्य में चालू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क चालू किया गया। किस समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली न्यूज एंकर, अर्थात आप इसे एक प्रकार से रोबोट भी कह सकते हैं, तो चीन की एजेंसी है सिन्हुआ। इस न्यूज एजेंसी ने समाचार पढ़ने के लिए AI टेक्नोलॉजी से लैस न्यूज एंकर का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ है। दो तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दो तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कर्नाड बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी भागवत गीता का उद्घाटन इस्कॉन मंदिर, जो कि दिल्ली में है, वहां पर किया गया। T20 इतिहास में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रशीद खान, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, T20 के इतिहास में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित TV चैनल कहाँ आरंभ हुआ? तो लंदन में विश्व का पहला मानव अधिकार को समर्पित TV चैनल आरंभ हुआ। चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो IIT हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech शुरू कराने वाला देश का पहला संस्थान बना है। मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वॉशिंगटन, जो कि USA में है, मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला तेलंगाना में बना है। टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पाकिस्तान ने टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाले पहले देश का एक प्रकार से नाम पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है। अनुबंध खेती मतलब आप अगर किसी से खेती करने के लिए खेत लेते हैं तो बाकायदा उसके पेपर वर्क मेंटेन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनस्क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो पलाऊ सनस्क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलती मेट्रो ट्रेन में देश की पहली फ्री वाईफाई सेवा किस मेट्रो ने शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो ने चलती मेट्रो ट्रेन में देश की पहली फ्री वाईफाई सेवा शुरू की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा झूला बनाया जा रहा है। देश में पहला एयर एम्बुलेंस काउंटर कहाँ खुला है? तो पटना देश में पहला एयर एम्बुलेंस का काउंटर खोलने वाला शहर बना है। कौन
कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कृषि भूमि लीज पर लेने के लिए जो भी मेंटेन कागज करने होते हैं उसको करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खोली गई है? तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, देश की पहली ई वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नॉर्मल कचरे से अलग करके उसको रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो इंग्लैंड जो है टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरे करने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। भारत का जानवरों के लिए युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला जानवरों के लिए युद्ध स्मारक यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी? तो कलकत्ता में 2022 तक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो जाएगी। 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो भारत ने 5-0 से T20 सीरीज जीतने वाली दुनिया की पहली टीम होने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का पहला लग्जरी पारदर्शी जंगल बबल कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का पहला लग्जरी पारदर्शी जंगल बबल थाईलैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है या किसने विकसित किया है? तो भारत देश ने विकसित किया है, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। किस महिला ने हाल ही में लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो आंध्र प्रदेश में देश का पहला महिला दिशा पुलिस स्टेशन खोला गया। महिला पुलिस स्टेशन का नाम है दिशा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में देश का पहला ग्लास फ्लावर ब्रिज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है? तो पौंडीचेरी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने वाला या करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो मुंबई से पुणे के बीच में देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू की गई। किस देश ने पहली बार एक कुत्ते को मेयर बनाया? तो अमेरिका ने पहली बार एक कुत्ते को मेयर पद पर बैठाया। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है। देश का पहला आइस कैफे 14,000 फीट की ऊंचाई पर कहाँ बना है? तो देश का पहला आइस कैफे 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में बना है। कौन सी यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा को शुरू करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी गर्भ संस्कार पर एक डिप्लोमा को शुरू कराने वाली या करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। देश के पहले तैरते घाट को किसने शुरू किया? तो गोवा राज्य ने देश के पहले तैरते घाट को शुरू किया। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश के पहले राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है। गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल कहाँ खुला है? तो फ्लोरिडा में गिटार के आकार का दुनिया का पहला होटल खुला है। इंडियन रेलवे ने कहाँ पर देश का पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल में है, दुनिया का पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया है। कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला, सार्वजनिक परिवहन जो है मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सार्वजनिक परिवहन पूरी तरीके से फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश लग्जमबर्ग बन गया है। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो उत्तराखंड राज्य कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बन गया है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सकेलोरो पोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने यूडान UDAN उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं को शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं को शुरू किया है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी लद्दाख कर रहा है। 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। दुनिया की पहली हाइपर लूम ट्रेन कहाँ चलाने की तैयारी की जा रही है? तो दुनिया की पहली हाइपर लूम ट्रेन भारत में चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया के सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। साल 2021 तक कौन देश की पहली भिखारी मुक्त सिटी बनेगी? तो भिखारी मुक्त सिटी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2021 तक बन जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। यूपी में 3 वर्ष पूरा करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी यूपी में 3 वर्ष पूरे करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो एम यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहाँ बनाई जाएगी? तो गुजरात में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उगाने वाला, उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादित करने वाला राज्य बन गया है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधु को अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में चलाई जा रही है? तो तैयारी की जा रही है कोलकाता राज्य में चलाए जाने की पहली जलमग्न मेट्रो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक भारतीय रेल पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो जाएगी। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू की जाएगी? तो 1 जून 2020 से संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की जाएगी। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से शिल्पा सेट्टी तथा राज कुंद्रा को सम्मानित किया गया है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80 नंबर पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो 4.8%, अब तो और घट जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सकेल रो पाओलो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। SBI का नया MD किसे बनाया गया है? तो श्री नवासुलू सेट्टी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वें नंबर पर है। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को भारत के उप प्रमुख के रूप में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्लोब सॉकर अवार्ड हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो क्वेश्चंस जो न्यू GK के आपके आने वाले एग्जाम में स्कोरिंग कराने में आपकी हेल्प करेंगे, प्लस हाल ही में हुए मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, 1 सुबह 6 बजे, 1 सुबह 10 बजे और 1 शाम को 7 बजे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको पर डे इन तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करते हो तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। 100%, 1000%, 100%, 1,00,000%, 10,00,000% मैं गारंटी दे रहा हूँ। बशर्ते चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा और तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लिंक को अपने दोस्तों के साथ एज अ चैलेंज शेयर करिए कि वो भी ये क्वेश्चंस पढ़ें और फिर आप और वो आपस में डिस्कशन करके क्वेश्चंस को रीड आउट करके सुनकर याद कर सकें। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।